दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 सबसे बड़े गड्ढे लेकर आया हूँ, जिनमें से कुछ तो काफी ज्यादा रहस्यमय है, जिनके अंदर का रहस्य आपका दिमाग हिला देगा, इसीलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वाटो की ना केव। हाल ही के दिनों में जॉर्जिया के पहाड़ों में मिली ये केव जो समुद्री तट से 2200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद थी, लेकिन जब उसके अंदर जाकर उसकी गहराई को नापा गया तो वो करीबन 7200 फीट थी। 6 किलोमीटर लंबी ये टनल कई तरह के रहस्यमय रास्तों से भरी है और इसे पार करने के लिए आपको अंडर वाटर डाइविंग वाले इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। जापान ट्रेंच। मई 2021 में जब जापान में एक ड्रिल की मदद से समुद्र में सबसे गहरे गड्ढे को खोदने की कोशिश की जाती है ताकि पानी के नीचे मौजूद जीवन के बारे में जाना जा सके, जिसे उन लोगों ने उस जमीन को 26,322 फीट तक खोदा जो कि माउंट फ्यूजी पहाड़ की ऊंचाई से 2 गुना ज्यादा गहरा था, जिसमें से कई तरह के सैंपल्स को वहां से कलेक्ट किया गया। मिर्नी माइन। रशिया के मिरानी गांव में मौजूद ये खदान, जिसे पहली बार वैज्ञानिकों के द्वारा 1955 में देखा गया, जहां मौजूद ज्वालामुखी के पत्थरों को देखकर यहां पर डायमंड के होने की जांच की गई, जिसके बाद हर साल यहां से $10 मिलियन की कीमत के डायमंड को बाहर निकाला जाता है। लेकिन जब 2001 में इस खदान से डायमंड निकालना बैन हो गया, तब से इस जगह पर 3,900 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा चुका है और आज भी वहां की सरकार बचे हुए डायमंड को खोजने की कोशिश कर रही है। कोला बोरवेल। ये दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है जो रशिया में मौजूद है। इसे सोवियत यूनियन ने स्टार्ट किया था। वो चाहते थे कि इस गड्ढे को जितना हो सके उतना गहरा खोदा जाए और कभी भी इसे खोदने की प्रोसेस बंद ना हो। इस दौरान उन्हें वहाँ पर काफी सारी हाइड्रोजन गैस मिली, लेकिन साल 1995 में जब सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। आज इस गड्ढे को बंद कर दिया गया है, लेकिन काफी सारे रहस्य आज भी उस गड्ढे में दफन है। बर्केली पीट बट्टे। अमेरिका में इंसानों द्वारा बनाया गया ये गड्ढा जो आज के समय में वहाँ के लोगों के लिए जानलेवा गड्ढा बन चुका है, जिसको एक माइनिंग कंपनी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन जब 1982 में इस जगह से काफी मात्रा में मटेरियल निकाल लिया गया तब जाकर इस खदान को बंद कर दिया गया। लेकिन उस मटेरियल के मिलने की प्रक्रिया ने 1.5 किलोमीटर लंबे एरिया को एक गड्ढे में बदल दिया जो कि धीरे धीरे पानी से भरता गया और आज के समय में इस गड्ढे में 900 फीट तक पानी मौजूद है जो कि काफी भयानक एसिड में बदल गया, जिससे न केवल जानवरों की बल्कि इंसानों की भी जान खतरे में। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, ऐसा करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।